वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है ओमकार और आज हम देखने वाले हैं टाइगुन के पापा टिगवान को, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये है हमारे पास 2022 की टिगवान। और भाई मैं ये नामों के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता हूँ। जो फोक्स रहेगा ना, उन्होंने एक टाइगुन लॉन्च की है, एक टिगवान लॉन्च की है, एक टिरॉक लॉन्च की है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नेम है। तो मुझे तो मतलब समझ आ नहीं कि कौन सी गाड़ी कौन सी है। आपको क्या लगता है वो आप नीचे कमेंट में बताएं। और आज हमारे साथ है फैजान, और आज हम दोनों जो ये आपको टिगवान का जो एक रिव्यू देने वाले हैं, जो कि एक 2022 का मॉडल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों मिलकर हम आपको इस गाड़ी का एक पूरा ही रिव्यू देने की कोशिश करेंगे कि भाई गाड़ी के अंदर ऐसी क्या चीजें आती है। इस गाड़ी की जो कॉस्टिंग है वो 32 लाख रुपए जो एक शोरूम जाती है, और 1,000 रुपए से कम है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए गाड़ी को पीछे से दिखाने का मतलब क्या है, बिकॉज इस गाड़ी की जो फ्रंट लुक है वो मैच करती है Volkswagen की टाइगुन से। तो आपको आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने इसको जो ये पीछे से दिखाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई पीछे से क्या इनको तू दिखाना चाहेगा अपने ऑडियंस को। देख तुझे तो पहले एक चीज बता दूं मैं, इन्होंने पहले टिगवान निकाली, उसके बाद टिगवान स्पेस निकाली, डिसकंटिन्यू कर दी टिगवान स्पेस को और वापस से टिगवान निकाली। तो भाई मतलब ये जाके आके फिर से आई है, ऐसा कुछ तो भी है। पहले टिगवान डीजल में भी आती थी, लेकिन अब जैसे कि Volkswagen ने पेट्रोल इंजन सॉरी डीजल इंजन बंद कर दिए है, तो यहाँ पर ये सोलली आपको 2 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ मतलब सिर्फ पेट्रोल में आती है। और ये सिंगल पीस है, मतलब इस गाड़ी के अंदर आपको कोई भी और वेरिएंट नहीं मिलेगा। बस ये आपको जो दिख रही है बस ये वही गाड़ी है। इसके अंदर आप कुछ एक्स्ट्रा ले भी नहीं सकते और एक्स्ट्रा आप मतलब छोड़ भी नहीं सकते। अगर आपको कुछ नहीं लेना है तो ये लेना पड़ेगा। हाँ, बस आपको यही मिलने वाला है। बाकी आप क्रोम वगैरह देख सकते हैं, बहुत सारा क्रोम है गाड़ी के अंदर। चलो अभी आगे से स्टार्ट करते हैं, बट आप पिछले एक बार लुक देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको फिर से पीछे से नहीं दिखाने वाला। एक बार आप बूट भी देख लीजिए, बूट भी दिखाई देते यार, अभी फिर से पीछे नहीं आएंगे। तो यहाँ पे ये है इस गाड़ी की बूट स्पेस, अराउंड 640 लीटर की है ना, 615 लीटर्स की बूट स्पेस है, बहुत बड़ी है। यहाँ पे ये जो यहाँ पे लीवर्स दिए गए हैं, इससे आप जो ये सीट को नीचे के साइड में भी जो ये फोल्ड कर सकते हैं, जिससे जो बूट स्पेस है वो आपको अल्टीमेटली जो ये ज़्यादा मिल जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी जो बूट है वो आपको जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इसका जो डोर मिलता है। और एक चीज़ बता दूँ, ये ना मोशन सेंसर के साथ भी मिलता है। यस, यहाँ पे आपको नीचे ऐसा वो पैर घुमाएंगे ना आप तो वो खुल जाएगी। यस, और की से भी आप इसको जो है अनलॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे की के अंदर आप बटन देख सकते हैं। बाकी फ्रंट के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आप एक बार इसका फ्रंट देख लीजिए। तो ये है इस गाड़ी का फ्रंट, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसकी लुक है वो मतलब टाइगुन जैसी ही है, बट थोड़ी ज्यादा प्रीमियम और थोड़ी थोड़ी सी ज्यादा वाइड लगती है। तो बहुत ज्यादा वाइड है भाई। Yes. ये वीडियो में मतलब इसका जो विड्थ है ना लगभग फॉर्च्यूनर जितनी है, बट इसकी डिजाइन कुछ इस तरह से है कि आपको ऐसा मतलब फील नहीं होगा कि ये फॉर्च्यूनर जितनी मतलब उससे थोड़ी सी कम है, बट उतनी ये वाइड है। बाकी आप हेडलैम्प्स देख सकते हैं, जो काफी स्पेशल हेडलैम्प्स है। यहाँ पे आपको जो ये IQ लाइट की जो है बैजिंग दिखेगी, तो इसके बारे में फैजान बताएगा। अच्छा, ये जो IQ लाइट्स है ना, पेटेंट है Volkswagen के पास में, कोई और यूज नहीं कर सकता। इतने सारे फंक्शंस आपको सिर्फ ये हेडलाइट्स में मिलते हैं, 40 फंक्शंस इस हेडलैम्प, सिर्फ हेडलैम्प के अंदर 40 फंक्शंस है। तो ये बाकी जो ये ऊपर नीचे भी होते हैं, यहाँ पे इसकी DRLs आती है, तो वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर जो उसकी क्लिप्स देख सकते हैं कि ये किस तरह से फंक्शनल होती है। बाकी फॉग लैम्प इस गाड़ी के अंदर जो मिसिंग है, बिकॉज इस गाड़ी की जो हेडलैम्प्स है वही इतनी पावरफुल है कि इसको फॉग लैम्प देने की जरूरत ही नहीं है। तो बाकी ये है गाड़ी की साइड लुक, और साइड से आप इसकी जो ये तो लेंथ हम जान लेते हैं। 4.526 मीटर्स की लेंथ है इस गाड़ी की, और 2.6 मीटर्स का व्हील बेस। तो लेंथ और व्हील बेस वगैरह काफी अच्छा खासा है गाड़ी का। अलॉयज अगर आप यहाँ पे देखें तो 18 इंचेस के अलॉयज है। आपको जो स्पेयर व्हील है, जो आपका स्टेपनी है, वो भी 18 इंचेस का मिलता है, बट वो एक स्टील व्हील होने वाला है। बाकी आप यहाँ पे जो साइज देख सकते हैं, बट इसके अंदर थोड़ी सी कमी है कि आपको ड्यूल टोन में नहीं मिलते और काफी सिंपल लुक में मिलता है, बट ठीक है भाई, क्योंकि ये इतनी महंगी गाड़ी है। 31.99 लाख इसकी जो ये एक शोरूम कीमत है, मतलब अराउंड जो ये 38 से 40 लाख तक ये ऑन रोड जाने वाली है। इसका जो रोड टैक्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। बाकी आपको आगे और पीछे दोनों व्हील्स में जो ये डिस्क ब्रेक मिलते हैं। और सबसे पहले आगे की बात करते हैं, वो साइड से एक बार आ जा तू, और यहाँ पे हम एक बार कंफर्ट भी इनको दिखा देते हैं कि भाई गाड़ी कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल है। बिकॉज मैंने यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर बैठ के थोड़ी सी एक मतलब ड्राइव भी ली है, तो मतलब काफ़ी कंफर्टेबल है गाड़ी। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आपको फ्रंट के सीट्स मिलते हैं विथ 3 memory functions, बट वो साइड के नहीं है, बस मेरे ही साइड के हैं, तो फैजान को मैन्युअली वो एडजस्ट करने पड़ेंगे। बाकी गाड़ी का अगर मैं आपको डोर दिखाऊँ ना, तो तू डोर थर्ड दिखाना भूल गया भाई। दिखाता हूँ ना, ये देख। तो भाई गाड़ी का डोर थर्ड जो है ये बहुत अमेजिंग है, बहुत मस्त आता है। यहाँ पे एक बार आप मेरे साइड का भी सुन लीजिए। तो भाई ये जो हेवी, यस, पैसा वसूल, जो हेवी डोर्स रहते हैं ना गाड़ियों के, बस उन्हीं के अंदर कुछ इस तरह का आवाज आता है। और वो चीज आपको डेफिनेटली जो ये क्या नाम है इसका, टिगवान के अंदर मिलता है। तो भाई मैं ना इस गाड़ी के
और टाइगुन के और टी रॉक के नाम के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता हूँ, तो मुझे ये जो टिगुआन नाम है ना ये याद ही नहीं रहता है। यहाँ पे एक बार आप गाड़ी का स्टेयरिंग देख लीजिए, आपको स्टेयरिंग के ऊपर जो काफी सारे कंट्रोल्स मिलते हैं, वॉल्यूम अप डाउन के, क्रूज कंट्रोल आपको यहाँ पे साइड में मिलते हैं। गाड़ी के अंदर आपको जो ये वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है ना, हीटेड सीट्स है, तो हीटेड सीट्स है गाड़ी के अंदर। और ये जो स्टेयरिंग है ये भी हीटेड है, जो ORVM से साइड मिरर्स है ये भी हीटेड है, तो आपको उसके बटन यहाँ पे कुछ मिल जाते हैं, यहाँ पे भी आपको जो बटन मिल जाते हैं, और पावर विंडोज के आपको यहाँ पे जो बटन मिलते हैं। बाकी ये गियर नॉब जो है ये बहुत स्पेशल है भाई, तो भाई इसके बारे में तो क्या कहना चाहेगा भाई, ये वॉक्सवैगन की जान है 7-speed DSG विथ अनमैचेबल परफॉर्मेंस। ओके, 7-speed DSG गियर नॉब है भाई, सबको पता है वॉक्सवैगन और स्कोडा का जो गियर नॉब रहता है, DSG गियर नॉब स्पेशली, वो बहुत ज्यादा तगड़ा रहता है। उसके अंदर आपको जो मतलब जो ट्रांसमिशन होता है ना उसके अंदर स्मूथली, वो आपको जो फील नहीं होता है डेफिनेटली। बाकी अगर आप यहाँ पे देखे तो ये एक 4x4 गाड़ी है, तो यहाँ पे जो है 4x4 होने की वजह से काफी सारे जो है ऑफरोडिंग के कंट्रोल्स दिए, तो एक बार मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। तो स्टार्ट कर लिया है, सबसे पहले तो बात करते हैं इसका जो 2 लीटर का इंजन है, पेट्रोल इंजन, उसके बारे में। बहुत ज्यादा स्मूथ है, बहुत ज्यादा मतलब रिफाइन है, आपको जो है अंदर कोई भी नॉइज नहीं आएगी। तो फैजान तुझे क्या लगता है कि ये मतलब किस तरह का इंजन है, कितनी पावर है इसके अंदर? भाई देख, ये जो इंजन है 2 लीटर का पेट्रोल इंजन है, टर्बो ऑफ कोर्स, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है ऑफ अराउंड 187 PS और लगभग 320 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है इस गाड़ी में। 370 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, 320, अच्छा 320, ओके 320 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, अच्छा है भाई, पावरफुल तो है भाई गाड़ी, पावरफुल तो बहुत है, तो परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस मतलब आप हमारे मुंह से मत सुनो, आप चलाओ एक बार और आपको समझ में आ जाएगा। बाकी डैशबोर्ड पूरा ही सॉफ्ट टच मटेरियल से बना हुआ है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं डोर पूरे सॉफ्ट टच मटेरियल से बने हुए है। और यहाँ पे आप ये डिस्प्ले देख लीजिए, यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा मतलब ऐसा गेस्चर कंट्रोल भी मिलता है, तो इससे आप ऑपरेट कर पाओगे। यहाँ पे आपको वॉल्यूम के लिए बटन मिलता है, यहाँ पे आप एसी के भी बटन देखे ना, मतलब बटन नहीं मिलते आपके यहाँ पे, यहाँ पे आपको बस ये स्लाइड करना है और यहाँ से आप जो ये कुछ इस तरह से इसको ऑपरेट कर पाओगे। पूरा ही टच सेंसिटिव है ये पूरा गाड़ी के अंदर। ऑब्वियसली आपको पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं, और वॉक्सवैगन गाड़ी के अंदर मतलब ये ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर आपको अगर पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं ना तो भाई सोने पे सुहागा आपको मिलता है। बाकी बात करते हैं गाड़ी के साउंड क्वालिटी के बारे में, साउंड इसके अंदर स्पीकर्स काफी अच्छे बिठाए हैं, तो एज यूजुअल रेडियो के ऊपर जो बातें ज्यादा हो रही है, तो यहाँ पे चैनल भाई कोई एक चैनल लगा ना भाई। भाई डेफिनेटली साउंड क्वालिटी बहुत मस्त है यार इस गाड़ी की। और यहाँ पे कूल्ड आपको जो ये ग्लोव बॉक्स मिलता है विद लाइट। लेकिन एक चीज बताओ तुझे देख, मतलब ये जो जब ओपन होता है ना तो ये थोड़ा एर्गोनॉमिकली मुझे गलत लग रहा है, तेरे पैर के ऊपर टच हो रहा है ना मेरा। तो ये मतलब थोड़ा क्लोज है, इसका जो डैशबोर्ड है ना वो पैसेंजर से क्लोज है थोड़ा, तो ये मुझे एक दिक्कत लगी। बाकी जो मतलब इसका बोनेट इसका कम विजिबल है मुझे, मैं गलती से मतलब बम्पर बोल देता हूँ बहुत बार, तो ये कुछ चीजें हैं। बाकी ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी आप देख सकते हैं, पूरा ही डिजिटल फॉर्म में है। यहाँ पे आपको ऑफरोडिंग के कुछ फीचर्स मिलते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल इसका पार्किंग ब्रेक है, ऑटो होल्ड का आपको ऑप्शन मिलता है, आप जो पार्किंग सेंसर से उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका पार्किंग कैमरा। बाकी ये आपको जो ये क्या बोलते हैं इसको, इंजन आइडल स्टार्ट स्टॉप, ओके इंजन आइडल स्टार्ट स्टॉप आपको मिलता है। यहाँ पे आपको जो ऑफरोडिंग के और कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं मोड आप यहाँ से जो सिलेक्ट कर सकते हैं, स्नो मोड, देन ड्राइव, यहाँ पे आप देख सकते हैं इको मोड, नॉर्मल मोड, स्पोर्ट्स मोड और इंडिविजुअल मोड आपको मिलता है। उसके अंदर आपको जो ये स्नो मोड और कुछ ऑटो ड्राइविंग प्रोफाइल, स्नो ड्राइविंग प्रोफाइल, स्नो मोड है एक, यहाँ पर ये देख सकते हो ये नॉर्मल मोड है, यहाँ पर आपको ये मड मोड भी मिलेगा, ओके मड मोड है ये, एंड ड्राइविंग ऑफ रोड मोड है, ओके ऑफ रोड मतलब थोड़े से माउंटेन्स वगैरह, तो ऐसे कुछ आपको मोड्स मिलते हैं ऑफ रोडिंग के लिए इस गाड़ी के अंदर। और भाई पावर अच्छी खासी गाड़ी के अंदर, टॉर्क भी अच्छा खासा है, तो भाई ऑफ रोडिंग भी बहुत अच्छी होने वाली है। बाकी अगर आप ऊपर देखें तो ये है इसका पैनोरामिक सनरूफ जो कि काफी बड़ा है, पीछे तक जाता है पूरा, एंड यहाँ पे आपको जो ये वैनिटी मिरर्स विद लाइट मिलती है, मेरे साइड में भी सेम है। बाकी अगर हम यहाँ पे स्टोरेज की बात करें ना, तो यहाँ पे आपको ये बड़ा सा एस्ट्रे मिलता है जो कि आपको मतलब एक साल की पूरी आपकी सिगरेट रखने के काम में आ जाएगा, और यहाँ पे ये पूरा एडजस्टेबल है, तो ये काफी अच्छी एक चीज लगी मुझे। यहाँ पे आप छोटी बॉटल्स भी आराम से रख पाओगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बस आपको एक बटन दबाना है और ये लॉक भी हो जाता है अगर आपको यूज नहीं करना है तो ये एक अगेन काफी अच्छी चीज है। यहाँ पे आप बाकी गाड़ी की देख सकते हैं, नॉर्मल अपनी स्कोडा की सारी कार्स की जैसी आती है उसी तरह की आपको की मिलती है। यहाँ पे 2 सी टाइप के पोर्ट्स दिए गए हैं, और बाकी यहाँ पे जो ये एक क्या बोलते हैं उसको अपन लाइटर दिया गया है, तो ये कुछ चीज आपको फ्रंट साइड में मिलती, कुछ रह गया अपना आगे
और हाँ थ्री जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट, थ्री जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी है, तो डायरेक्टली चलते पीछे की सीट के ऊपर। और भाई गाड़ी अभी ऑन है ऐसा मुझे लग रहा भी नहीं है यहाँ पे, बस मुझे मतलब जो एसी की आवाज है वो आ रही है, तो अगर हम उसको भी ऑफ करें ना तो भाई गाड़ी बंद है ऐसा लगता है पूरा। तो यहाँ पे एक बार आप देख लीजिए, गाड़ी ऑन है वैसे अभी, तो यहाँ पे मैंने इसको बंद कर लिया है। और यहाँ पे एक छोटा सा एक एनिमेशन भी आता है गाड़ी का, तो भाई डेफिनेटली गाड़ी का जो मतलब फील है अंदर का वो बहुत अच्छा है। अभी ये आप देख सकते हैं पिछली सीट्स, तो यहाँ पे ना ये हमने जैसे कि बूट स्पेस अभी बढ़ाई थी, तो यहाँ पे आप इसको जो अनफोल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको ऐसा ऊपर के साइड में लगा लेते हैं, तो ये हो गई अपनी पिछली सीट्स। यहाँ से आप इसको जो ये थोड़ा सा इंक्लाइन कर सकते हैं और आप देख ही सकते हैं लेदर सीट्स है ब्लैक कलर की, कोडियाक से ज़्यादा कंफर्टेबल है ये। यस, तो बहुत कंफर्टेबल लगता है ये मतलब सीट्स वगैरह। और यहाँ पे आप इसको आगे पीछे मतलब स्लाइडिंग का आपको काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन मिल जाता है, फाइव सीटर गाड़ी है। और यहाँ पे रियर साइड में एसी के ब्लोअर्स जो कि थ्री जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी, तो आप पीछे के पैसेंजर्स के लिए अलग सा टेम्परेचर जो है सेट कर पाओगे। बाकी यहाँ पे साइड में जो ये रीडिंग लैंप्स भी दी गई है और हेडरेस्ट जो ये एडजस्टेबल है तीनों पैसेंजर्स के लिए, और बीच में एक जो ये हैंडरेस्ट आर्मरेस्ट दिया गया है उसके अंदर जो ये दो कप होल्डर्स है। तो भाई पिछली सीट्स भी बहुत कंफर्टेबल है, तुझे क्या लगता है? बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे फील होती है बहुत गाड़ी है, सेफ सेफ फील होती है ना। तो साइड में आप पिलर्स में भी एयरबैग्स देख सकते हैं, ओके छह एयरबैग्स आते हैं गाड़ी के अंदर। तो भाई डेफिनेटली सारी चीजें मतलब एकदम मस्त होने वाली है। प्राइस के हिसाब से अगर हम चले तो इंटीरियर बहुत तगड़ा है गाड़ी का, बट एक्सटीरियर में बोल नहीं सकता बिकॉज थोड़ी छोटी लगती है गाड़ी, तो इंटीरियर तो प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। और मतलब फीचर्स वो जैसे कि स्कोडा और फोक्सवैगन की गाड़ियों के अंदर काफ़ी कम रहते हैं, तो वो आपको डेफिनेटली इसके अंदर लगेगा। तो डायरेक्टली चलते गाड़ी के बाहर और बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। तो एक बार मैं आपको इंजन भी इस गाड़ी का दिखा दूँ कि भाई इंजन की शक्ल किस तरह से दिखती है। यहाँ पे इसको हम खोल लेते हैं, तो इंजन इसका 2 लीटर का है ना पेट्रोल इंजन, हाइड्रोलिक स्ट्रक्स एक ही दिया है वैसे। और यहाँ पे इंसुलेशन आप देख सकते हैं किस तरह का है। इंजन अभी चालू था तो बहुत मतलब गर्म हुआ है। यहाँ पे वत्रा क्या ये वात्रा की कुछ बैटरीज दी गई है, और मेड इन जर्मनी भाई ये। ओके भाई जर्मनी तो भाई जर्मनी तो आपने सुना ही होगा कि गाड़ियों मतलब जो बेस्ट गाड़ियाँ रहती है वो जर्मनी में ही बनती है, जर्मन इंजीनियरिंग एट इट्स बेस्ट। यस, और जो स्कोडा और फोक्सवैगन है वो जर्मन से ही मतलब ये पूरी गाड़ियाँ उनका ये सारी चीज़ें रहती है वो उधर से डिज़ाइन और प्रॉपरली उधर से की रहती है। तो इन शॉर्ट गाड़ियों के अंदर आपको जो है ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो ड्राइविंग प्लेजर हम कहते हैं वो आपको जो है डेफिनेटली बहुत अच्छा आने वाला है। तो भाई तू अगर कोई दूसरी ब्रांड से स्कोडा को कंपेयर करेगा, तू एक वर्ड बोल कि तुझे इन गाड़ियों के अंदर ऐसा क्या अलग लगता है? राइड एंड हैंडलिंग इस गाड़ी को इन गाड़ियों के अंदर आपको चाहिए, ओके तो वो चीज़ें आपको इन गाड़ियों के अंदर जो स्पेशली बहुत अच्छी मिलती है, तो इस वजह से ये ज़्यादा पैसे लेते हैं, बाकी कोई चीज़ नहीं है। और हैंडलिंग सबसे इंपॉर्टेंट रहती है जो कि आपको दूसरी गाड़ियों के अंदर फील नहीं होगी, वैसे जीप के अंदर मुझे काफ़ी अच्छी लगती है हैंडलिंग। फिर भी जीप से अच्छी इसमें होगी, आई अग्री जीप कंपास, मतलब एक हिसाब से देखा जाए ना प्राइस पॉइंट से तो जीप कंपास इससे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगी मुझे, नो डाउट। फीचर्स भी बहुत अच्छे, फीचर्स भी बहुत अच्छे अनडाउटेडली, और ऑफ रोडिंग तो वो बहुत जबरदस्त करेगी। यस, लेकिन यार इस गाड़ी का एक अलग एलिगेंस है, मतलब जो हैंडलिंग है ना इस गाड़ी की कंफर्टेबल राइड, वो जीप कंपास भी नहीं मैच कर रहा है। वो अभी चलने की बात समझेगा, बट ये गाड़ी मतलब अभी तक तो हमारे पास हमारे हाथ नहीं लगी है, तो हम वो चीज मतलब क्लियरली नहीं बोल पाएंगे कि भाई कितनी बेस्ट है। तो भाई ये कुछ था आज के वीडियो के लिए, अगर आपको आज का वाला वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से दोनों के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, फैजी फ्री ऑटोविंग इंडिया सेकंड हैंड लग्जरी सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर आपको कुछ इसी तरह की वीडियोस देखनी होगी, नेक्स्ट वाली गाड़ी की कौन सी वीडियो देखनी है आप नीचे खुद से कमेंट में डालें, हम उस गाड़ी के ऊपर जो वीडियो बना देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाली ऐसे अमेजिंग वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।